जनजाति समाज के उत्थान एवं नशा मुक्ति के लिए काम करने वाले भोजराज नाग को भाजपा ने कांकेर लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। 2014 में वे पहली बार अंतागढ़ से विधायक चुने गए थे। वे आदिवासियों के हितों के लिए काम करते आ रहे हैं। मतांतरण के खिलाफ उन्होंने क्षेत्र में आंदोलन की शुरुआत की थी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांकेर निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी पर भाजपा नेता भोजराज नाग ने कहा कि मैं केंद्र और राज्य नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सीएम विष्णुदेव साय जन कल्याण में लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम इसे चुनाव में जनता के बीच ले जाएंगे। धर्मांतरण में मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ऐसा कानून होना चाहिए जो किसी के धर्म परिवर्तन करने पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने से रोक दे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व संगठन के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जिन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है पूरे देश भर में, उसी योजनाओं को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार लोक कल्याणकारी योजना चला रही है। इन तमाम योजनाओं को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से इस लोकसभा सहित पूरे देश में 400 पार सीट जीतेंगे। हमारी सरकार संवैधानिक रूप से काम कर रही है। जब से हमारी सरकार आई है तब से इस पर अपने सुरक्षा के जो तमाम उपाय कर रही है और इस प्रकार के जो धमकियां दे रहे हैं या इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं और हम डरने वाले लोग नहीं है। धर्मांतरण को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में और देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो धर्मांतरित व्यक्ति है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।